निशा और आप देख रहे हो ऐसे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा और निषाद पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हुए सैकड़ों ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा भावक और बुरे दौर में है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पहली पसंद बन गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अभी से 2022 के चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र है वहां पर आलापुर जनपद और डॉक्टर अम्बेडकर नगर से बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं श्री अजय तिवारी, उसके नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के जो 101 कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ निषाद समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं हरिलाल निषाद के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता और पूर्वज पंचायत के जो सदस्य उदयभान गौतम के जो नेतृत्व में दर्जनों सदस्य कार्यकर्ता बसपा में शामिल हो गए। बहुजन समाज पार्टी की नीतियां रीतियों में आस्था रखते हुए बसपा नेत्री मायावती जी को 2022 में पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। सभी सम्मानित साथियों को बसपा के पूर्व सांसद एवं मुख्य सेक्टर प्रभावी फैजाबाद देवी पाटिल बस्ती गोरखपुर मंडल माननीय घनराम चंद खरवाल जी ने बसपा की सदस्यता दिलाई। सभी आगंतुकों को बहुजन समाज पार्टी की नीतियां और रीतियां से अवगत कराकर आह्वान किया गया कि आप सभी लोग मेहनत करके पार्टी संगठन को मजबूत करके काम करें, जिससे कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। पार्टी में शामिल होते ही भाजपा नेता अजय तिवारी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बदले की भावना को मन में रखते हुए ग्रस्त होकर बड़े पैमाने पर जो ब्राह्मण है, जो गरीब लोग हैं, उनकी हत्या करा रही है। भाजपा सरकार में जो ब्राह्मण है उनका दमन हो रहा है और जो देश के नौजवान बेरोजगार लोग हैं उसको जो बीजेपी है वो रोजगार नहीं दे पा रही है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं। नौजवान जो बेरोजगार है उनको रोजगार बसपा दे सकती है, बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, इसीलिए फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, मेहनत की जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।